बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी ब्रेड रोल रेसिपी शेयर करूंगी, जो बच्चों को बहुत ही पसंद आती है और इसे हम बच्चों को आसानी से लंच में भी दे सकते हैं। तो चलिए आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि हम इसको 3 स्टेप्स में रेडी करेंगे। सबसे पहले आते हैं हम अपने फर्स्ट स्टेप पर, जिसके लिए यहाँ पर मैंने 1/2 किलो चिकन लिया, जिसको अच्छे से वॉश कर लिया है। ये मेरे पास बोनलेस चिकन है। इसी के साथ मैं इसमें 2 टेबल स्पून तंदूरी चिकन का मसाला यूज़ करूँगी। ये मेरे पास शान का तंदूरी चिकन का मसाला है, आपके पास जिस भी ब्रांड का हो वो यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ मैं 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, 1/2 टीस्पून वाइट पेपर यूज़ करूँगी। सारे मसाले मैं इसमें ऐड कर लूँगी। इसी के साथ मैं इसमें 2 टेबल स्पून दही भी ऐड करूँगी। और इसी के साथ हम इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट यूज़ करेंगे। और इसी के साथ मैं इसमें 1 टीस्पून ऑयल यूज़ करूँगी। इसी के साथ हम इसमें सारे सॉसेस भी ऐड करेंगे, जिसमें है चिली सॉस 1 टीस्पून, सोया सॉस 1 टीस्पून। और इसी के साथ मैं इसमें बारबेक्यू सॉस, HP बारबेक्यू सॉस है यहाँ पे मेरे पास, और पेरी पेरी सॉस है मेरे पास। ये हम 1 टेबल स्पून यूज़ करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, और अगर है तो इससे बहुत ही ज़बरदस्त और बारबेक्यू फ्लेवर आता है। तो मैं इसको 1 टेबल स्पून यूज़ करूँगी। इसमें बारबेक्यू सॉस 1 टेबल स्पून और पेरी पेरी सॉस 1 टेबल स्पून। ये सारे सॉसेस भी हमने इसमें ऐड कर दिया। मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उसके बाद हम इसको 1/2 आवर के लिए मैरिनेट करके रखेंगे। ये देखें, बोनलेस चिकन थी मेरे पास। आप चाहें तो इसको विदाउट बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने इसको 1/2 आवर के लिए मैरिनेट कर दिया है। अब मैंने एक पैन ले लिया है, ये मेरे पास सादा पैन है, इसमें मैं कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। ऑयल भी हमारे चिकन में ऐड हुआ हुआ है, बस ये हम सारी चिकन इसमें ऐड कर देंगे और इसको 5 से 10 मिनट के लिए मैं इसको कुक कर लूँगी कि अच्छे से चिकन जो है वो गल जाए और इसका मसाला अच्छे से भुन जाए। आप लोग भी इसको बनाइएगा, मेरी रेसिपी से ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। ये देखिए, चिकन ज़बरदस्ती गल चुकी है। मैंने इसको इस तरीके से शेडेड कर लिया है। अब आते हैं हम अपने सेकेंड स्टेप पर। सेकेंड स्टेप में हम ज़बरदस्त सा सॉस रेडी करेंगे, जिसके लिए मुझे 1/2 बंच ऑफ गोभी चाहिए। इसमें हम 1/2 कप ऑफ मायोनीज, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, ये सारी चीज़ें हम गोभी में ऐड कर लेंगे और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा ज़बरदस्त सा गोभी का सॉस रेडी हो जाएगा। अब आते हैं हम अपने थर्ड स्टेप के ऊपर। थर्ड स्टेप में यहाँ पे मेरे पास है ब्रेड स्लाइसेस, जिसको मैंने साइडों से कट कर लिया है। इसी के साथ यहाँ पे मेरे पास 2 अदद अंडे हैं, ब्रेड क्रम्स और पानी। चलिए आइए हम अपनी प्रिपरेशन कर लेते हैं। सबसे पहले अंडों को अच्छे से फेंट लेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पे अंडे फेंट लिए हैं। अब हम ब्रेड रोल रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले ब्रेड स्लाइस लेंगे, इसमें हम गोभी का मिक्सचर ऐड करेंगे। इसी के साथ हम इसमें श्रेडेड चिकन जो थी वो हम इसमें ऐड करेंगे और उसके बाद हम इसको अच्छे से कवर कर लेंगे। ये देखिए, मैंने गोभी का मिक्सचर और श्रेडेड चिकन इसमें ऐड कर दी है। मैं इस तरीके से हाथों की मदद से इसको फोल्ड करूँगी, अच्छे से प्रेस कर करके मैं इसको फोल्ड करूँगी। ये देखें, और फिर मैं अपने हाथों को अच्छे से गीला करके उसके बाद हम इसको अच्छे से प्रेस कर करके कवर कर लेंगे, ताकि अच्छे से जो है कवर हो जाए। उसके बाद हम इसके कॉर्नर्स भी अच्छे से प्रेस करके इसको कवर कर लेंगे। ये देखें, इस तरीके से बिल्कुल ये कबाब का शेप बन जाएगा एक, और बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। आप लोग इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। ये देखिए, इस तरीके से ये कवर हो चुके हैं अच्छे से। अब मैं इसको अंडे के बैटर में डिप करूँगी और इसी के साथ मैं इसको ब्रेड क्रम्स में कोट करके अच्छे से हम इसको कवर कर लेंगे और हाथों की मदद से मैं इसको प्रेस करती जाऊँगी, ताकि जो हमारा अंदर का मिक्सचर है वो बाहर ना निकले और अच्छे से ये रोल का शेप इसका बन जाए। ये देखें, इस तरीके से मैं इसको ब्रेड क्रम्स में कवर कर रही हूँ, ताकि बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी फ्राई हो। ये देखिए जी, कितना ज़बरदस्त हमारा ब्रेड रोल रेडी हो चुका है। अब मैं सारे इसी तरीके से बना लूँगी और मैं फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे ब्रेड रोल रेडी हो चुके हैं।
मैंने सारे बना लिए हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। मैंने एक पैन में ऑयल ऐड कर लिया है, इसको मैंने गरम करने के लिए रखा है। अब मैं वन बाय वन ब्रेड रोल इसमें ऐड करूँगी और इसको हम फ्राई कर लेंगे। इसको हमें बस इतना फ्राई करना है कि इसका अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। ये देखिए इतना ज़बरदस्त सा गोल्डन ब्राउन ये फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसको निकाल लूँगी और बाकी के सारे भी इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे और फिर मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें जी, ज़बरदस्त से हमारे चिकन ब्रेड रोल रेडी हो चुके हैं। मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। मैंने इसको फ्राइज़ और केचप के साथ सर्व किया है। इसको मैंने कट करके दिखाया, देखें कितने ज़बरदस्त से ब्रेड रोल रेडी हुए हैं। आप लोग भी इसको बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं हम अपनी नई रेसिपीज़ और नई वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।